नमस्कार, मी स्वाती पाटील. नमस्कार, मी प्रणिता बोरसे. बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. बिपरजॉय वादळ उद्या दुपारी गुजरात मधल्या जखाऊ पोर्टवर धडकणार आहे. वादळ धडकेल तेव्हा वेग ताशी 150 किलोमीटर राहणार. गुजरात मध्ये बिपरजॉय वादळाचे 9 बळी गेले. 7 जिल्ह्यातून 37,000 लोकांना यापुढे आतापर्यंत सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलेलं आहे. बिपरजॉय वादळामुळे सगळी परिस्थिती ओढावलेली आहे. जेव्हा हे वादळ धडकेल तेव्हा वाऱ्याचा वेग साधारणपणे ताशी 150 किलोमीटर इतका असणार आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर 37,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलंय. बिपरजॉय वादळ उद्या दुपारी जखाऊवर धडकणार आहे. वादळ धडकेल तेव्हा वेग 150 किलोमीटर असेल असं वर्तवण्यात येत आहे. तर गुजरातमध्ये या वादळाआधीच 9 बळी देखील गेलेले आहे. तर 37,000 लोकांना स्थलांतरित देखील करण्यात आलंय. गुजरातमधल्या जखाऊ बंदरावर हे वादळ उद्या दुपारी धडकेल. तत्पूर्वी इथं वाऱ्याचा वेग मात्र वाढताना दिसतोय. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं सतर्कतेच्या सूचना दिलेल्या आहेत. प्रशासनाकडून 30,000 लोकांना आतापर्यंत सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलंय. गुजरातमध्ये बिपरजॉय वादळापूर्वीच 9 बळी गेलेले आहेत. बिपरजॉय वादळासंदर्भात अधिक अपडेट घेणार आहोत. आपले प्रतिनिधी पंकज मिश्रा आता आपल्या सोबत आहेत. पंकज, क्या कुछ बताएंगे, किस प्रकार के सूचना प्रशासन की ओर से दी गई है इस तूफान के मद्देनजर रखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं महाराष्ट्र के पालघर इलाके में हूँ. पालघर ये गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है और जैसा कि आप जानते हैं कि बिपरजॉय तूफान का सबसे ज़्यादा असर जो है वो गुजरात में होने वाला है, तो पालघर भी इससे बचने वाला नहीं है. यही वजह है कि पालघर में भी तैयारियाँ पूरी दिखाई देती है. मैं आपको सबसे पहले समुंदर की तस्वीर दिखाता हूँ. समुंदर में किस तरह से तूफान जो है वो अब दिखाई देने लगा है और जो लहरें हैं वो एकदम उफान पर है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं. साथ ही तेज़ हवाएं यहाँ पर लगातार बह रही हैं. आसपास जो यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर जो बीच पर जो फूडकोर्ट बनाए गए हैं उनके छत उड़ चुके हैं. और आपको बता दें कि पालघर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने एक दिन पहले ही, यानी कि तूफान से 2 दिन पहले, उन्होंने इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और अगले 2 दिनों तक इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू रहेगी. यानी कि समुंदर के आसपास करीब 1 किलोमीटर एरिया में किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी जा रही है. कई बीचों को बंद कर दिया गया है, यानी बीच को ताला लगा दिया गया है और वहाँ पर लिख दिया गया है कि जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो बीच पर ना जाए. साथ ही NDRF, SDRF, कोस्ट गार्ड और नेवी को भी तैयार रखा गया है. जो लोकल पुलिस है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है. कहीं ना कहीं तूफान का खतरा जो है अगर गुजरात पर होगा तो उसका असर पालघर में ज़रूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह की तेज़ हवाएं बह रही है, आसपास की जो बस्तियां हैं वहां पर अगर घर के छपरे उड़ते हैं या कोई पेड़ गिर जाता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है. यही वजह है कि इन तेज़ हवाओं की वजह से जो आसपास के गाँव वाले हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ अचानक से उड़ कर आती है, किसी पर गिर जाती है और इससे बड़ा हादसा हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है. तो ऐसे तमाम जो पिछले जो हमारे हमने ताउते तूफान के दौरान देखा था उनसे सबक लेते हुए इस बार प्रशासन बहुत ज़्यादा अलर्ट है. लगातार कोशिश की जा रही है कि तूफान को तो भले ही नहीं रोका जा सकता, तूफान जिस तरह का आने वाला है उसे कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जान माल का नुकसान कैसे कम हो इसकी तरफ इस वक्त प्रशासन का पूरा ध्यान है. लगातार महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र में खासतौर पर पालघर इलाके में जो कलेक्टर हैं उनकी नज़र बनी हुई है कि इस तूफान का बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कम से कम इस क्षेत्र को झेलना ना पड़े. जी जी पंकज, इस तूफान की वजह से समुंदर में कितनी ऊंची लहरें उठ रही है और हवा भी तेज़ है, ये हवा कितनी और तेज़ हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको समुंदर की तस्वीर दिखाता हूँ. इस वक्त मैं पालघर के शिरगांव बीच पर हूँ और शिरगांव बीच का ये समुंदर देखिए, करीब 7 से 8 फुट ऊपर जो है इस वक्त समुंदर की लहरें आपको दिखाई देंगी. यानी कि जो बीच है, जो रेत है, वहाँ से समुंदर की जो लहरें हैं वो करीब 8 फीट ऊंची इस वक्त दिखाई दे रही हैं. आमतौर पर इतनी ज़्यादा समुंदर की लहरें ऊंचाई पर दिखाई नहीं देती. साथ ही जिस तरह से हवा बह रही है, कई बार जो 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 ये लहरें हैं वो बहुत नज़दीक आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है क्या होगा. समुंदर के अंदर किस तरह की हलचल चल रही है किसी को भी नहीं पता है. यही वजह है कि लोगों को यहाँ से दूर रखा जा रहा है. ना केवल जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें, बल्कि जो गांव वाले हैं उन्हें भी दूर कर दिया गया है. आसपास के इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे भी कट कर दिया गया है और जो दुकानें हैं, जो रिसॉर्ट्स हैं उन्हें भी बंद करने के लिए कहा गया है.
तो कहीं ना कहीं पालघर, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो गुजरात के नज़दीक है वो है पालघर, और अगर गुजरात में इस तूफान का इम्पैक्ट होगा तो पालघर में भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो पालघर में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, कोई आपातकाल की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसी वजह से ये सारे फैसले लिए गए हैं, और लगातार जो यहाँ के कलेक्टर हैं वो परिस्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तर पालघर मध्ये समुद्र किनाऱ्यावरची ही दृश्य आपण पाहत होतो। महत्त्वाची बातमी, बिपरजॉय उद्या दुपारी जखाव पोर्टवर धडकणार आहे आणि यावेळेस वाऱ्याचा वेग ताशी 150 किलोमीटर असणार आहे। हे दृश्य आपण पाहतोय ज्या ठिकाणी या बिपरजॉय वादळाचा धोका पोहोचणार आहे किंवा त्या पार्श्वभूमीवर काळजी घेतली गेलेली आहे। द्वारकेमध्ये दूरदर्शनचा टॉवर वाऱ्याच्या वेगामुळे पडलेला आहे। तर गुजरातच्या जुनागडमध्ये अनेक लोकांना स्थलांतरित करण्यात येत आहे। मुंबईमधले दृश्य पाहतोय जिथं उंच लाटा उसळताना दिसत आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय। तर गुजरातमधल्या द्वारकेच्या समुद्र किनाऱ्यावरची देखील दृश्य पाहतोय आणि जखाऊमधल्या बंदरावरची देखील दृश्य समोर आलेली आहेत।